हेलो एवरीवन, आई एम प्रतीक चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएसके मोटो गैलरी। ये मेरी लाइफ का पहला वीडियो है, सो आपको अगर इसमें कुछ भी गलती या कुछ भी खराबी लगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, जिससे मैं अपने आने वाली वीडियोज में उसे सुधार सकूँ। तो आज हम इस बाइक का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। आज हम इसका डिटेल रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी प्राइस की बात कर दूँ तो ये आपको 1.86 लाख ex-showroom प्राइस में मिलेगा, और इस कलर का नाम है स्टील्थ ब्लैक। सो आज हम इसका डिटेल रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट व्हील से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, 90x19 के ट्यूबलेस टायर मिलेंगे इसमें आपको, और डिस्क इसमें आपको डुअल चैनल एबीएस मिलेगा। आगे भी डिस्क और पीछे भी डिस्क मिल जाएगा, और इसके डिस्क का साइज़ 280 mm है, और इसके ये आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा इसमें देखने को, और इसमें 35 mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे। और फ्रंट में आपको देख सकते हैं हेडलाइट इसमें हेलोजन मिलेगा, और टर्न इंडिकेटर्स भी आपको इसमें बल्ब मिलेंगे। फिर इसके मीटर कंसोल की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं ये बहुत ही सिंपल एनालॉग मीटर मिलता है इसमें। इसमें आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, ऑडोमीटर मिलेगा, और यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम का लाइट मिलेगा, न्यूट्रल मिलेगा, और ये टर्न इंडिकेटर का लाइट मिल जाएगा, ये ऑन ऑफ का, और ये जब आपका लो फ्यूल रहता है तब ये लाइट जलता है, और ये आपको इंजन लाइट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये है इस बाइक का हैंडल, बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत स्ट्रेट हैंडल है। इसमें आपको राउंड मिरर मिल जाएंगे, और इसके हैंडल की बात करें तो यहाँ पर आपको पासिंग लाइट मिल जाएगा, ये हाई बीम लो बीम, ये टर्न इंडिकेटर, और ये इसका हॉर्न है, तो हॉर्न आपको सुना देते हैं। देख सकते हैं कितना तेज़ हॉर्न है इसका, और ये किल स्विच, और ये इग्निशन ऑन का स्विच है। इसमें आपको 13 लीटर का बहुत बड़ा टैंक मिल जाता है, जो आपको लॉन्ग टूरिंग में काम आता है। और इसके इंजन की बात करें तो ये 346 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड FI इंजन है, BS6 मॉडल का है ये। और इसके पावर की बात करें तो इसमें 19.1 BHP पावर और 28 Nm टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और ये आपको बैटरी बॉक्स मिल जाता है इसमें, आपको आप कुछ पेपर वगैरह रख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा जगह रहता है। इसमें आपको सारी गार्ड मिल जाता है, और ये इसका रियर सस्पेंशन है, और ये इसका स्विंगम है, बॉक्स टाइप स्विंगम इसमें मिलता है। इसके रियर व्हील की बात करें तो इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, और इसमें आपको 120x80 सेक्शन के 18 इंचेस के ट्यूबलेस टायर मिलेंगे,
ये टायर आपको MRF का मिलेगा। और ये है इस बाइक का डिस्क, ये इसमें आपको ABS मिलेगा। और इस डिस्क का साइज़ इसका 240 mm है। और इसके टेल लाइट की बात करें तो इसमें आपको टेल लाइट इसका बल्ब मिलेगा और टर्न इंडिकेटर्स भी इसमें बल्ब मिलेंगे। और ये इसका नंबर प्लेट है। ये इस बाइक का एग्जॉस्ट है, आप देख सकते हैं पहले इस बाइक में एग्जॉस्ट यहीं तक आता था, अब इसको रॉयल इनफील्ड ने बढ़ा करके इतना कर दिया है। इसमें आपको किक स्टार्ट मिल जाता है और सेल्फ स्टार्ट भी। इसके सीट की बात करें तो ये इसमें आपको बहुत अच्छी कुशनिंग मिल जाती है, देख सकते हैं ये बहुत सॉफ्ट है, पिलियन के लिए भी बहुत सॉफ्ट है और राइडर के लिए भी बहुत सॉफ्ट रहेगा। और इस बाइक का सीट हाइट 800 mm है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस 135 mm का मिलेगा इसमें। और व्हील बेस आपको 1390 mm का है। इसमें आपको साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड भी मिल जाएगा। सेंटर स्टैंड इसमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपको ओपन चेन सिस्टम मिलता है जो आपको 300-400 किलोमीटर के बाद सेंटर स्टैंड पे लगा करके इसको साफ़ करना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है इस बाइक के लिए। और आप देख सकते हैं इसमें ये है इस बाइक का कैटलिटिक कन्वर्टर जिसे BS6 मॉडल में मिलता है। ये FI 350 एक फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है। आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये बाइक कैसा लगा।